दोस्तों नमस्कार। नीट बायोलॉजी का रिवीजन का जो पॉडकास्ट है वो चालू है। आई होप आप सभी लोग सारा वॉल्यूम सुन रहे होंगे। ये भी वॉल्यूम आपके सामने और बहुत इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम होने वाला है जो भी लोग नीट का एग्ज़ाम अगले महीने देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। ये रिवीजन का सीरीज है और सभी लोग आप लोग फॉलो करिए सारे के सारे वॉल्यूम को। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ आप सुनिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है चैनल पर बने रहने की, लाइक करने, कुछ भी करने की। आप सिर्फ वॉल्यूम को सुनो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पक्का वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, आपने मेटामेरिक सेगमेंटेशन का नाम सुना होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। क्या ए स्क्वायर सी, या आप लोग ऐसे याद कर सकते हो सी ए ए, ठीक है। सी ए ए जो बिल आया था ना उससे याद रखना। सी फॉर कॉर्डेटा, ए फॉर एनिलीडा, और सेकेंड दूसरा वाला ए जो है वो उसका मतलब आर्थोपोडा। इसी तीन जगह जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। बॉडी पूरी तरीके से क्या होती है, डिवाइडेड होती है सेगमेंट में। ट्रू सेगमेंटेशन है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। हमारे कॉर्डेटा में आपको वर्टिब्रल कॉलम में सेगमेंट नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के लाइफ के किसी भी हिस्से में सेगमेंटेशन पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि पाया जाता है कहाँ पर, कॉर्डेटा, एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा में। एक खास बात मैं आपको बता दूँ कि प्लेटी हेलमेंथिस एकमात्र ऐसा फाइलम है जो आपके कोर्स में ए सिलोमेट आपको याद रखना है। प्लेटी हेलमेंथिस क्या होता है, ए सिलोमेट होता है, और एस्कलमेंथिस जो होता है वो क्या होता है, सीडो सिलोमेट होता है, याद रखना। ये सब डायरेक्ट आपके सामने आंसर आएंगे। सिलोमेट कौन होता है आपका, बाकी सारे के सारे जो इसको छोड़ के, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्कलमेंथिस, इन सब को बाकी सारे को छोड़ के क्या होते हैं, सारे सारे सिलोमेट होते हैं। अच्छा, प्लेटी हेलमेंथिस से पहले वाले यानी कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेट और टीनोफोरा में बॉडी कैविटी यहाँ पर पाई ही नहीं जाएगी। अब एक बात सुनना, रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना रेडियल सिमेट्री तीन जगह पाई जाती है। पहला कहाँ पे, सीलेंट्रेटा में यानी कि निडेरिया में। दूसरा कहाँ पे, टीनोफोरा में, ठीक है, प्लूरोब्रैकिया जिसका मेंबर है। और तीसरा कहाँ पाया जाता है, एडल्ट्स ऑफ एकाइनोडर्मेटा में। याद रखेगा एकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है। जब वो एडल्ट होता है तो वहाँ पर सिमेट्री क्या होती है आपकी, रेडियल, और लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री पाई जाती है वो क्या होती है, बाइलेटरल, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलोमेट में सब आ जाएंगे आपके एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे आपके सिलोमेट होंगे। अब कहता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, लेवल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो तमाम तरह के वर्ड ये चार आप देख रहे हो यहाँ पे ना, तो याद रखना सिर्फ पोरीफेरा में सेलुलर लेवल पाया जाता है, बाकी टिश्यू लेवल जो होता है वो पाया जाता है कहाँ पे, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ऑर्गन लेवल कहाँ पाया जाता है, प्लेटी हेलमेंथिस में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ पाया जाता है, बाकी सारे में क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें आप लोग इस तरीके से याद रखना, सीडोसिलोमेट कहाँ पे, एस्केलमेंथीज में, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, तो दोस्तों काफ़ी शोर जैसा नज़र आ रहा था मुझे, तो इसलिए मैं उठ कर गया वहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अब बात करता हूँ पोरीफेरा का, तो पोरीफेरा जो होते हैं वो स्पॉन्जेस होते हैं, और उनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पंजोसील। सील मतलब कैविटी, सीलो मतलब बॉडी कैविटी। अब फाल्स बॉडी कैविटी कहाँ पाई जाती है, एस्केलमेंथीज में। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। जहाँ भी नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे, जहाँ भी नोटोकॉर्ड पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे कॉर्डेट्स कहलाएंगे। डाइजेशन दो तरह का होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो मैं दो ऐसे फाइलम का नाम बताता हूँ आपको जहाँ पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, वो होंगे प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। और अभी भी दो ऐसे फाइलम का नाम बताऊँगा कि जहाँ पे इंट्रा एक्स्ट्रा माने इंट्रा सेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाएगा, वो होंगे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है, जहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाएंगी, डायरेक्टली पूरी पूरी बॉडी खून से नहाती रहेगी, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन टाइप। और क्लोज टाइप क्या हो जाएगा, जहाँ पर
ब्लड है, सर्कुलेशन है, प्रॉपर आर्टरी वीन कैपिलरी से वेरिंग डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल से जहाँ पर वहाँ पर सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है जैसे हम लोगों में, तो इस तरह का सर्कुलेशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन। ठीक है, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल ओपन टाइप में नोट कर सकते हो आर्थोपोडा का। याद रखिएगा कि पोरीफेरा हो गए, पहला कौन सा है पोरीफेरा, फिर कौन सा सीलेंट्रेटा, फिर कौन सा टीनोफोरा, फिर कौन सा प्लेटियल मेंथिस, यहाँ तक सक्सेस सेपरेट नहीं हुआ था। एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ तक सक्सेस सेपरेट नहीं हुआ था। तो याद रखिए जहाँ पे बाइसेक्सुअल जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हरमेफ्रोडाइट। क्या कहते हैं, हरमेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एनिमल्स आर कॉल्ड एज हरमेफ्रोडाइट। ठीक है, पोरीफेरा की एक खास बात यह है कि इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से डिस्टिंक्ट होता है, बिल्कुल अलग होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज होता है। तो इस तरीके का आप लोग बात याद रखेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है पोरीफेरा में। गाना सुन लो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है पोरीफेरा में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है क्या, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जब लार्वल स्टेज की बात कर दिया, जब भी लार्वल स्टेज पाया जाएगा याद रखना वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, लार्वल स्टेज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज नहीं है जैसे हम लोग डायरेक्टली पैदा हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क आप लोग अच्छी तरीके से बता लोगे। एंड जब लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सीलेंट्रेटा की एक खास बात होती है कि सीलेंट्रेटा में यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, इसका ओबिलिया, क्या नाम है इसका, ओबिलिया, और ओबिलिया को हम लोग सी फर्न भी कहते हैं। इसमें मेटाजेनेसिस होती है, क्या होती है, मेटाजेनेसिस। ऑरेलिया, ऑरेलिया एक ब्रांड है, आप सुना होगा, दिशा पटानी प्रचार करती हैं उसका। ऑरेलिया का मतलब होता है जेली फिश। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो एडामासिया शेप होता है। ठीक है, और हाइड्रा जो होता है वो पॉलीफॉर्म होता है। तो दो फॉर्म में सीलेंट्रेटा पाए जाते हैं, एक पॉलीफॉर्म और एक एडमसिया फॉर्म। ठीक है, अम्ब्रेला शेप्ड कौन सा होता है, एडमसिया होता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। एडमसिया को वाकई में कहते क्या हैं, सी एनिमोन कहते हैं। ठीक है, सी एनिमोन, एडमसिया इज कॉल्ड एज सी एनिमोन। और फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पेनेटुला, देख लो आप लोग वीडियो, मेरा मुंह देख लो, चेहरा देख लो, सी पेन, पेनेटुला सी पेन याद रखना। एंड जार्जोनिया, सी फाइन याद रखना इस बात को। मेंड्रीना, ब्रेन कोरल, मेंड्रीना ब्रेन कोरल याद रखना इस बात को। और जो टीनोफोरा होते हैं उनको हम लोग सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्रों में पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, इस बात को भी आप लोग याद रखना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बार बार बोलता हूँ, सारे वॉल्यूम में बोला हूँ, प्लीरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, और एक और याद नोट करना, ब्रोई। ठीक है, याद रखना इस बात को। प्लेटी हेलमेंथिस की एक खास बात है कि इसमें बहुत सारे लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, बहुत सारे सर के या मेटा सर के पांच बहुत सारे लार्वल स्टेज पाए जाते हैं प्लेटी हेलमेंथिस में। फ्लैट वार्म कहते हैं, चिप है ना, फीता कृमि, चपटे होते हैं, और ये एसिलोमेट होते हैं। बॉडी कैविटी यहाँ पर क्या होती है, अब आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, बीच में कोई भी वेल डिफ्रेंशिएटेड लेयर नहीं पाई जाती है। एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं मीसोगिलिया, तो वो दो लेयर वाले डिप्लोब्लास्टिक। और जब वेल डिफाइंड मीजोडर्म पाया जाएगा इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म, तो इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो वहीं पर जहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होंगे वहीं से शुरुआत होती है किसकी, बॉडी कैविटी की। तो बॉडी कैविटी नहीं बनेगी तो ए सिलोमेट, और दो सौ सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, टेप वार्म को टीनिया कहते हैं, लीवर फ्लूक को फैसियोला कहते हैं। फ्लेम सेल याद रखिए, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है इनमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवीजन चल रहा है। सेक्स ऑर्गन का सेपरेशन स्टार्ट हुआ था एस्केलेमेंथीस में। मोटी थी फीमेल, बड़ी थी फीमेल,
छोटा था मेल, पतला था मेल, किसमें? एस्केलमेंथीज में। ये क्या होते हैं? राउंड वर्म। क्या होते हैं? बीमारी सुने हो, एस्केरियासिस, एस्केरिस से होता है, तो वो कौन होते हैं? एस्केलमेंथीज होते हैं, राउंड वर्म। आपने फाइलेरिया बीमारी सुना है, वुचरेरिया बैनक्राफ्टी, वुचरेरिया मलाई से होता है, वो कौन होते हैं? आपके ये एस्केलमेंथीज होते हैं। और एक होता है एनसाइलोस्टोमा, हुक वर्म कहते हैं, तो वो भी क्या होता है? एस्केलमेंथीज होता है। सेक्सेस सेपरेट पहली बार हुए, यानी कि कंडीशन मोनोसियस से अब क्या हो गई? डायसियस, हर्माफ्रोडाइट से अब क्या हो गई? यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है। पूछेगा क्या? पूछेगा कि मस्कुलर फेरिंग्स किसका, किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मस्कुलर फेरिंग्स किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो याद रखना, एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म, इस बात पे बिल्कुल फोकस रहना। एस्केलमेंथीज आपका है, और एस्केलमेंथीज एक खास बात क्या है? सीडोसिलोमेट होता है। बॉडी कैविटी पेचस में पाई जाती हैं, बॉडी कैविटी नहीं होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सीलेटेट्रा में टिश्यू लेवल, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटेलमेंथीज में ऑर्गन लेवल, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन चल रहा है, एक बात नोट कर लेना। फाइलरल वार्म, फाइलरल वार्म जो फाइलेरिया का वार्म होता है, फाइलेरिया बीमारी कौन फैलाती है? क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाती है। और वो जो वार्म होता है, यानी कि वुचरेरिया, जितने भी स्पेसीज आपने सुना, बैनक्राफ्टी, मलाई, वीवी पैरस होता है, वीवी पैरस नोट कर लेना, वीवी पैरस होता है। वाइप, सारे सांप अंडे देते हैं, लेकिन वाइपर का याद रखना, वाइपर सांप जो होता है, वाइपेरा, वो भी वीवी पैरस होता है, इस बात को भी नोट कर लेना। बिच्छू का नाम सुने हो, आर्थोपोडा का मेंबर है, वो भी क्या होता है? वीवी पैरस होता है। डायरेक्टली बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। कौन अंडे देता है? फाइलम पे पहुंच जाना, जरूरी नहीं कि सारे फाइलम के सारे मेंबर अंडे ही देते हों, इस बात पे फोकस रहिएगा। वेट, ओके, सो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एनलीडा के बारे में एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि जो एनलीडा होता है उसके मेंबर आपको अर्थवॉर्म ऑलरेडी पता है। इसमें से जो आपको एक बात जाननी है कि इसका एक मेंबर है नेरिस, नेरिस वो डाइसियस होता है, लेकिन अर्थवॉर्म जो इतना फेमस है, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेप वार्म, लीच, लीच इज द आल्सो मेंबर ऑफ एनलीडा, ये सब के सब बाइसेक्सुअल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेरिस का नाम मैं बता रहा हूँ, याद रखना, नेरिस जो होता है वो क्या होता है? डाइसियस होता है। नेरिस जो होता है डाइसियस होता है। रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है? सेक्सुअल होता है। अर्थवॉर्म और लीचेस क्या होते हैं? मोनोइसियस होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इनका एक बहुत अच्छा फीचर बताता हूँ, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है नेफ्रीडिया, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। और जो नेरिस होता है, कनखजूरा कहते हैं शायद, आई डोंट नो क्या कहते हैं, कनखजूरा ही कहते हैं, इसमें बहुत सारे वो निकले रहते हैं लिम्ब्स, उसको हम लोग मतलब किनारे किनारे पेरिफेरी में, उसको हम लोग कहते हैं पैरापोडिया। क्या कहते हैं? पैरापोडिया। जैसा कि मैंने इस वॉल्यूम के स्टार्ट में बताया था कि कॉर्डेटा, आर्थोपोडा और एनलीडा, यही सीएए जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही है, करीब करीब 12 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आप जब भी सुनना, सारे वॉल्यूम को सुनते रहना, बस आपसे यही गुजारिश है। और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन आगे करवाऊंगा। याद रखना, जाते जाते बोल रहा हूँ, एक फिश है जो कि फिश नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनिमल के आगे फिश लगा रहता है, वो फिश नहीं होते हैं। जैसे ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं उसको, बट वो फिश नहीं है। जैसे सिल्वर फिश लगता है फिश होगी, नहीं, ये आर्थोपोड होती है। ये सिल्वर फिश आर्थोपोड होती है, याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज किया है। सिल्वर फिश कहीं दिया नहीं एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी को बदनाम करने के लिए डाल दिए जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट याद रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा, सिल्वर फिश आर्थोपोडा का मेंबर है, सिल्वर फिश आर्थोपोडा का मेंबर है। जय हिंद।